ये मेरी दादी है और इनकी उम्र 103 साल है। हम जब छोटे थे बचपन से ये हमें गाने हमारी लैंग्वेज में सुनाती रही है और हर चीज़ को सेलिब्रेट करती है हमारे साथ। हमारी लैंग्वेज में हमें बहुत सारे गाने सुनाती है, नज़में सुनाती है और साथ में नाचती भी है। ये गिलगित बस्तान का वो ज़बान है जिसकी तारीख हज़ारों साल तक पहुँच जाती है और ये एक ऐसी ज़बान है जो कि दूसरी ज़ुबान से नहीं मिलती। ये तीन इलाके हैं हमजा, नगर और यासीन, इन तीनों इलाकों में बोली जाती है। मुझे डर है कि हम अपनी इस खूबसूरती को, हम अपनी इस पहचान को खो देंगे, क्योंकि यूनेस्को के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की ये ज़ुबान नापैद होने वाली है। मुझे दुख होता है कि ये जानकर जो ब्रिटिश की लैंग्वेज है, मेरे जनरेशन के जो लोग हैं ये ठीक से बोल भी नहीं सकते। रोज़ी कमाने के लिए इंग्लिश को सीखना ज़रूरी है ना। इंग्लिश हम सीखेंगे तो हमें स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं, यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आ रही है जिस वजह से हमारी कल्चर में इंग्लिश ज़बान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और हमारी सारी जो है ना लैंग्वेज से लेके हमारी कल्चर तकरीबन ख़त्म होती हुई आ रही है। हमारे आबा व अजदाद जो एक लैंग्वेज बोल के एक मिठास, एक मोहब्बत, एक खुशी हमें जो देते थे, एक अमानत की शक्ल में जो दिया है, हम उसको खो रहे हैं। मुझ समेत हुंजा के कुछ यूथ ने अपनी जुबान और कल्चर को बचाने के लिए लीफ लार्सन म्यूजिक स्कूल ज्वाइन किया। बज़्मी, क्योंकि मौसीकी और शायरी कम्युनिकेशन का एक पावरफुल और इफेक्टिव जरिया है। म्यूजिक इटसेल्फ जो है ना एक इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म है एज अ साउंड, और जो शायरी है या पोइट्री है वो एक अलग आर्ट फॉर्म है। तो वो जब म्यूजिक और वर्ड मिल जाता है तो उस वर्ड में एक्सप्रेशन आ जाता है, उसमें फील आ जाता है। तो जो सामने कंज्यूमर या आप लिसनर जो होता है तो वो उसको प्रॉपरली एब्जॉर्व कर सकता है, स्पेशली अगर ब्रूशेस की कोई शायरी है और उसी ब्रूशेस की म्यूज़िक का या उसी कल्चर का एक मेलोडी, एक धुन जब दोनों मिलते हैं तो वो मज़ीद इन्हेंस हो जाता है वहाँ पे उसकी एस्थेटिक्स। और जिसने उस शायरी के अल्फाज पहले नहीं सुनी होती है तो वो बहुत ईजली उसके जहन में नक्श हो जाते हैं। अगर आजकल देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में या पूरे पाकिस्तान में ही, बल्कि हम ज़्यादातर फॉरेन कल्चर को तरजीह देते हैं। हम इंडियन ड्रामास देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी पोइट्री भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डीप है और हमारी कल्चर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें चाहिए कि अपनी कल्चर को ही आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि फॉरेन और इंडियन म्यूज़िक वगैरह को प्रमोट किया जाए। तो हमारा स्कूल एक उम्मीद की किरण है हमारी लैंग्वेज को बचाने में, क्योंकि हमारा मकसद हम लोकल लैंग्वेज और हम फोक म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं। हम जितने भी अपने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे स्कूल में वो तकरीबन फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम अपनी पहचान के बैक बोन्स हैं, हम इस कल्चर के बैक बोन्स हैं। अगर हम भी आज बीइंग अ यूथ ये चीज़ रोकेंगे, हम यहाँ रुक जाएंगे तो सब ख़त्म हो जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान है ये एक खूबसूरत इलाका है और इसकी ज़मीन, इसकी इस यहाँ के लोग और जो स्टेट को या मीडिया को वो जो चीज़ें हाईलाइट करती है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, वो उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है जो उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से। लेकिन जो हमारा ब्रूशेस की नहीं, जो दूसरी ज़बानें भी है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ऊपर इसलिए फोकस नहीं है कि इनसे उनको क्या मिलेगा। किसी भी कौम की शनाख्त उनकी लैंग्वेज से होती है। अगर उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर ख़त्म हो जाएगी तो मतलब उनकी पूरी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाएगी। लोगों को लगता है कि ये एक छोटी इलाके की छोटी ज़ुबान है
शायद इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस ज़ुबान में छुपी हुई हमारे प्यारों और बुज़ुर्गों की बातें हैं जो उनके साथ दफन हो चुकी है। इसलिए मैं और मेरे चंद दोस्त म्यूज़िक और गानों के ज़रिए ये ज़ुबान ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। हम सबको चाहिए कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को अपने बच्चों तक आगे वाली जनरेशन को पहुंचा दे। हमारे सॉन्ग से लेके हमारी जो फोक कहानियां वगैरह होती हैं मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो हमारी कल्चर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमारी ज़बान मिट गई तो उससे जुड़ी मुनफरिद यादें भी मिट जाएंगी। और अगर मुनफरिद यादें मिट गई तो हम अपने प्यारों को खो देंगे, जो कि इस मुनफरिद यादों का हिस्सा है।